इस ड्रामा की स्टार्टिंग सीन में मेन लीड किन स्केच बनाता रहता है, देन दूसरी तरफ से हॉरर सीक्वेंस जैसी एंट्री होती है किसी की जो कि ब्लैक हुडी पहना रहता है और वो सीधा उसके घर में घुस जाता है विदाउट एनी परमिशंस। एंड देन आपको लगेगा कि मेन लीड को पता क्यों नहीं चला कि उसके घर में कोई घुसा है, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि वो स्केच बनाते हुए हेडफोन यूज़ करता रहता है जिसके लिए उसको कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे ही वो हेडफोन निकाल के अपने पीछे की तरफ दिखता है तो उससे एक ब्लैक हुडी पहने हुआ इंसान दिखाई देता है, तो तुरंत वो उस बंदे के सिर से हुडी को हटाता है और वहाँ पे कोई गैंगस्टर नहीं रहता गाइस, वहाँ पे उसकी 8 साल पुरानी बेस्ट फ्रेंड रहती है। ये हमारी फीमेल लीड यंसुन है जो कि हमारे मेन लीड के घर में चुपके से घुस आई है। तो हमारा हीरो बोलता है, मरना चाहती हो या मारना चाहती हो किसी को? देन उसके बाद वो उसके बेड पे कूद के अपने बदबूदार सॉक्स निकालने लगती है, जिसके बाद देखिए कैसी घमासानी युद्ध हो रही है। देन यंसुन हमारे हीरो को पैरों से मारकर किचन की तरफ अटैक कर देती है और वहाँ पे सारे खाने पीने की चीज़ें साफ करने की कोशिश करती है। ड्रिंकर कहीं की सबसे पहले तो बॉटल उठाती है। हमारा हीरो चिल्ला के बोलता है कि तुम इतनी रात में मेरे घर पर क्यों आई हो, और यंसुन बोलती है हेलो, पैजामा पहन के मैं यहाँ पे पार्टी करने तो नहीं आई हूँ ना, सोने आई हूँ और क्या। तो किन बोलता है क्यों, देन यून बोलती है मेरे घर में सीवर का गंदा पानी आकर मेरे पूरे घर में भर गया है जिसकी गंदी बदबू मुझसे सही नहीं जा रही है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे सो नहीं सकती थी, तो मैं यहाँ पे आ गई। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो प्रॉब्लम जल्दी ही खत्म होगी, तो इसलिए मैं अपना 4 कपड़ा एंड 1 लैपटॉप लेके तेरे घर पे आ गई। देन हमारा किन बोलता है थोड़े से कपड़े एक सूटकेस भर के आई है, सच सच बोल कितने सालों का प्लान बना के आई है तू, अगली बार भी आई थी तो जल्दी नहीं गई थी, इस बार मैं पहले ही बार की तरह उल्लू नहीं बनूंगा, सो तुझे फर्स्ट ऑफ ऑल काउच पे सोना पड़ेगा। तो यंसुन बोलती है ज़्यादा बन मत, तेरा घर अच्छा है तो 10 दिन के लिए आई हूँ, तो वो बोलता है बस 5 दिन के लिए मैं तुझे रहने दूंगा, दैट्स इट। मॉर्निंग में यंसुन अपने काम पे जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है क्या हुआ, तो अपनी पूरी नाइट की बातें उसको बताने लगती है, तो वो बोलती है अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे तू क्यों रह, जबकि तू एक बार उसके साथ सो चुकी है। तो यंसुन बोलती है वो एक गलती थी। हमारे यंसुन का एक चलाकी वाला सीन दिखाया जाता है बिकॉज यंसुन एक फ्रेंच वाइन शो में आई थी जहाँ पे उसको फ्रेंच ट्रांसलेट करना था, वहाँ पे कुछ कोरियन वाइन को पीते हुए कुछ भयंकर वर्ड्स बोलते हैं जो कि कोरियन लाइक पोएम रहते हैं। हमारी यंसुन तो सुन के शॉक कि अब उसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूं, देन सब उसकी तरफ देख रहे हैं कि क्या अब बोलो क्या है इसका मीनिंग। देन हमारी यंसुन थोड़ा दिमाग लगाते हुए उस पोएम को एकदम शॉर्ट वे में उनको समझाती है कि इन्होंने आपकी वाइन की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। देन सब बोलते हैं यार इतनी बड़े से पोएम का इतना छोटा सा मीनिंग, कुछ भी लॉल। हमारा हीरो जो कि पेंट ब्रश लेके कुछ पेंट करने की कोशिश करता रहता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, वो अजीब अजीब सी बातें सोचता रहता है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन वो अपने एक पास के वाइन शॉप में जाता है जहाँ की ओनर उसके बारे में सब कुछ जानती रहती है। जब हमारा हीरो बोलता है कि मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ की ओनर बोलती है कहीं तुम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में तो नहीं सोच रहे हो क्योंकि आजकल तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे घर पर आ गई है रहने के लिए। देन वो बोलता है पता नहीं, बट वो तो एकदम नॉर्मल रिएक्ट करती है जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ओनर बोलती है कि ऐसा होता रहता है। तब तक उसी बार की एक फीमेल आती है जिसपे हमारा हीरो कब से लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, देन वो सीधा आंसर देती है तुम तो वही हो ना जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड तक को भी नहीं छोड़ा, सो प्लीज़ मैं तुमसे तो ना पटने वाली। इस घनघोर बेइज्जती के बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि हमारा हीरो खाना बना रहा है, देन हमारी फीमेल आती है और खाना खाने के बाद वो लोग टेरिस पे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जाते हैं वाइन के साथ। फिर बातों बातों में हमारी यंसुन बोलती है तुम्हारी तो काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थी ना, तो तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारी एक्स से तुम्हारी बात होती रहती है कि नहीं। किन बोलता है इन सब चीज़ों को मैंने अभी तो पीछे छोड़ दिया है, अभी मैं अपने फुल फोकस काम पे कर रहा हूँ, दैट्स इट। देन शुन बोलती है मुझे भी अब अपने काम पे ही फोकस करना है क्योंकि तुम्हारी तरह एक प्यारा सा घर लेना है मुझे। देन शुन बोलती है तुम्हारी लेकिन काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थी ना, जैसे कि वो काउंट करने लगती है, तो हीरो भी उसके साथ बोलता है हाँ हाँ ये भी हाँ ये भी। इन्हीं सब बातों में किन बोलता है हाँ तो तुम भी तो बताओ, तुम्हारा भी तो बॉयफ्रेंड था 5 साल से। तो शुन बोलती है हाँ 5 ईयर्स से था तो, बट वो अब किसी के साथ मैरिड भी हो चुका है और आई थिंक उसको एक बेबी भी होने वाला है, तो बताओ ना क्या होगा उसे, लड़का या लड़की। तुम क्यों ऐसे जा रहे हो जैसे लग रहे हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, और वैसे पे बताओ क्या हम फ्रेंड्स हैं,
तो बोलता है हीरो हमारा, हाँ ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स हैं। और किन बोलता है 5 ईयर तुमने वेस्ट कर दिया ऐसे पर्सन पे, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। तो वो बोलती है कि अब क्या कर सकते हैं। तब तक वो अपनी उस नाइट के बारे में कुछ बोलने ही वाली रहती है, तब तक कॉल आ जाती है उसकी कंपनी की, तो वो वहाँ से चली जाती है, जिस पे थोड़ा हमारा हीरो भी अपसेट हो जाता है, बट वो भी सोने के लिए चला जाता है। और तभी शुन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो चेक करने के लिए आता है बाहर। तो वो देखता है कि वो हॉरर मूवी देख रही है, तो बोलता है अब मूवी क्यों, तुम्हें सोना चाहिए। तो बोलती है क्या करूँ, मुझे इस पे प्रेजेंटेशन बनाना है। तो शुन बोलती है तुम मेरी हेल्प कर दो, मेरे साथ थोड़ा सा देख लो। तो बोलता है ठीक है, तो उसके साथ बैठ जाता है। देन थोड़ा यहाँ पे क्लोजी सीन आ जाता है, हमारी शुन उसको चिपक जाती है डर की वजह से, और हमारा हीरो उसको बल्कि और डराता रहता है। देन वो भी थोड़ा डरने लगता है। फिर कैसे कैसे करके ये मूवी ख़त्म ही होने वाली रहती है। देन हमारी शुन रियलाइज़ करती है कि वो हमारे हीरो से कुछ ज़्यादा ही चिपक गई है, तो उसको ज़ोरदार पंच मारती है, जबकि हमारा हीरो बोलता है ओ शिट, इसका कुछ नहीं होने वाला है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी शुन बहुत जल्दी जल्दी अपने जॉब के लिए जाती रहती है, और वो अच्छे से अपना मेकअप भी नहीं की रहती है, एक आँख में आईलाइनर की रहती है, एक आँख में नहीं की रहती है। तो हमारा हीरो जब देख लेता है तो बोलता है इधर आके बैठो, मैं तुम्हारा कम्प्लीटली मेकअप कर देता हूँ। तो बोलती है ठीक है। तो जब उसको मेकअप करने लगता है तो हमारी फीमेल के दिल थक 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 होने लगता है। फिर वो बोलती है उसके आँखों में खोने लगती है, तो वो बोलती है ओहो कंट्रोल बेबी कंट्रोल। देन हमारा हीरो उसको मिरर दिखाते हुए बोलता है देखो अब तुम एकदम कम्प्लीटली अच्छे से मेकओवर तुम्हारा हो चुका है, तो तुम अब जा सकती हो अपनी कंपनी के लिए। तो वो अपने आप को थोड़ा सा देखती है, फिर वो सब सीन सोच के वहाँ से जाने लगती है बिना थैंक यू बोले। फिर बस में वो जब जाने लगती है तो उन्हीं सारी मोमेंट्स को याद करने लगती है, वो कैसे मेकअप कर रहा था, उसके आईज़ कैसे ब्लिंक हो रही थी। तो उस बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो वही सब सोचती रहती है। देन जब वो अपनी कंपनी में पहुंचती है, वहाँ पे उसकी फीमेल कलीग उसकी तारीफ करती है कि आज तुमने मेकअप बहुत ही अच्छा किया है। फिर यून भी मिरर को देख के थोड़ा सा स्माइल करने लगती है,